वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल इंसेप्शन निकार. आई एम हेयर मनीष कुमार एंड आवर टुडेज टॉपिक इज मॉल कॉन्सेप्ट. तो बेटा जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंसेप्शन निकार में. मेरा नाम है मनीष कुमार और एक बार फिर से मैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्लास 11th का यूनिट 1 का लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसका नाम है मॉल कॉन्सेप्ट. बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने लास्ट वीडियो में कराने के लिए कहा था, बट वीडियो का साइज बड़ा हो रहा था, अपलोड करने में समस्या होती, इसलिए हमने उसको वहाँ पे ना करा के अभी एक सेपरेट टॉपिक बना दिया है. तो बेटा जी, मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने. हम और आप मिलकर आज मॉल कॉन्सेप्ट की कहानी को खत्म करेंगे. देखो क्या होगा, हमारे पास, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. कौन कौन से, जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, हमने भी पढ़ी हैं. सबसे पहले हम बात करते थे किसकी, भाई लेंथ क्या होती है, लेंथ. उसके बाद होता है टाइम, उसके बाद होता है टेम्परेचर. अरे बताओ, TMPRETURE, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर. उसके बाद होता था इलेक्ट्रिक करंट, नॉर्मल करंट भी कह सकते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट. एक मास होता था, पहले यहाँ जाना चाहिए था मास. बेटा एक होता था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. और एक होता था बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो बेटा जी, ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिनकी हेल्प से हम दुनिया की हर चीज की मेजरमेंट कर सकते हैं. हर चीज को हम मेजर कर सकते हैं. बेटा जी, लेंथ को रिप्रेजेंट करते थे, लेंथ की जो यूनिट थी वो होती थी मीटर, रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल एम से. टाइम की होती थी बेटा जी सेकेंड, रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल एस से. टेम्परेचर की होती थी केल्विन और रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल के से. इलेक्ट्रिक करंट की होती थी बेटा जी एम्पियर, क्या होती थी एम्पियर, रिप्रेजेंट करते थे ए से. मास की होती थी बेटा जी किलोग्राम और रिप्रेजेंट करते थे केजी से. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला और रिप्रेजेंट करते थे बेटा जी स्मॉल सी और स्मॉल डी से. याद रखना स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, क्योंकि कैपिटल सी और स्मॉल डी करोगे तो वो हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं कैडमियम. तो स्मॉल सी स्मॉल डी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमने पढ़ना है बेटा. इसकी जो यूनिट होती थी वो होती थी MOLE, मोल, और रिप्रेजेंट करते थे MOL से, मोल से. तो दिस इज द मोल. पहली बार मोल का इंट्रोडक्शन हुआ कि द मोल इज एन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक 7वीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं मोल. बेटा जी ये याद कर लेना, ये ऐसा ही यूनिट है, इनकी ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. अब अगर सेंटीमीटर, किलोमीटर या किसी में भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट टेबल थी जो मैंने आपको बनवाई थी कि डेका के लिए क्या आएगा, डेसी के लिए क्या आएगा, माइक्रो के लिए क्या आएगा. अब देखो मोल आ गया हमारे पास, मोल, मोल. अब बेटा जी एक साइंटिस्ट आए, क्या एक साइंटिस्ट, हम पहले भी एक लॉ पढ़ चुके हैं उनका, एवोगैड्रो. उन्होंने एक मोल को परिभाषित किया, उन्होंने एक मोल को डिफाइन किया. एवोगैड्रो ने वन मोल को कहा कि वन मोल इज एन इक्वल टू एन न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 6.022 × 10⁻²³. ध्यान से देखते रहा करो, चीजों को जोड़ा करो. देखो ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, किस टर्म, ए डॉट बी सी डी. सेकंड लेक्चर जब देखे वो तो आपको पता चल जाएगा कि 4 डिजिट में जब रिप्रेजेंट करते हैं, एक के बाद 3 डॉट लगा के 3 वैल्यूज और लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. तो एवोगैड्रो ने क्या कहा कि बेटा 1 मोल इसके बराबर होता है. ये कुछ ऐसा था जैसे मैं कहूँ 1 डजन, कितना होता है, आप कहोगे 12, साथ में कहोगे केले बनाना. नहीं बेटा, 1 डजन का मतलब है डजन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट स्टैंड्स फॉर 12. अब मैं 1 डजन कहूँ बनाना, तो आप क्या कहोगे, सर 12 बनाना. अगर मैं कहूँ 1 डजन पेंसिल, तो आप क्या कहोगे, सर 12 पेंसिल. अरे बताओ. तो देखो डोजन का मतलब होता है 12, उसके साथ जो चीज लग जा रही है वो वैल्यूज हो जाएंगी उसी की. तो मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू ये थी, एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, इसको बोला गया एवोगैड्रो नंबर, डिनोट किया गया एन ए से, कई बार एन नॉट से भी कर देते हैं, दिस इज एवोगैड्रो नंबर.
अवोगैड्रो ने कहा कि 1 mole इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ स्पीसीज। अब इसका मतलब समझो, मैं कहूँ 1 mole ऑफ एच एटम, इसका मतलब हुआ बेटा 1 mole का क्या मतलब है 6.022 × 10⁻², इसका मतलब ये हुआ ना 1 mole का। अब एच एटम का तो मतलब आप कह दो एच एटम की 1 mole ऑफ एच एटम का मतलब है 6.022 × 10⁻², एच एटम। उसके बाद मैं अगर मान लो देखो दूसरी लाइन में कहूँ 1 mole ऑफ एच टू, अब एच टू क्या एटम थोड़ी है, एच टू क्या होगा मॉलिक्यूल होते हैं, बताओ इसका मतलब। आप कहोगे सर 1 mole आ गया, तो 1 mole का मतलब 6.022 × 10⁻², अब ये क्या है एच टू मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एच टू। तो बेटा जी कहने का मतलब ये 1 mole का मतलब होता है 6.022 × 10⁻², दैट इज ऑल्सो Avogadro's नंबर, जिसको Avogadro नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोल की कहानी समझ में आई। अब देखो एक फॉर्मूला दिया गया, मैं भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला दिया गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते। अभी मैंने ग्राम एटॉमिक मास, और ये मैंने बताया नहीं, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा किसी एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना, और एमयू ग्राम का रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, उसको राउंड ऑफ करके पूरी पूरी वैल्यूज ले ली जाती है। तो बोले कि मोल कैसे निकालेंगे, तो बोले कि भाई नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बेटा, नंबर मोल्स को स्मॉल एन से भी डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल या फिर इसको स्मॉल एन से डिनोट करती है, होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आप समझ गए, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, अगर मान लो एटम आए तो क्या होएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अरे बताओ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, एन फॉर्मूला याद हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर अ मॉलिक्यूल, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास फॉर अ एटम। क्वेश्चन देखो, मैं कहूंगा फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल इन 26 ग्राम ऑफ, आपको दिया गया है बेटा जी 26 नहीं ज्यादा करें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ एन एटम, एटम दिया गया आपको। तो देखो ये 28 ग्राम ऑफ एन एटम नाइट्रोजन एटम में कितने मोल बने, मोल का फॉर्मूला आपको पता है एन, गिवन मास कितना है 28, एक एटम का मास कितना है 14, तो मतलब कितना हो गया 2 mole, 2 mole का मतलब क्या हुआ कि 2 × 6.022 × 10⁻², एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा जी इसका ये तो मतलब हुआ, आपसे कह रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के एटम में कितने मोल होंगे या कितने टोटल एटम्स होंगे। तो पहले आप टोटल मोल निकालो, टोटल मोल आए 2, कैसे आए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन बाय एटॉमिक मास, बेटा नाइट्रोजन एटम है तो एटॉमिक मास 28, एटॉमिक मास होता 14, आप सभी ने याद कर रखा है सॉरी सॉल्व करोगे तो आएगा 2 mole, 2 mole का मतलब क्या है, 2 mole का मतलब होता है 2 और mole का मतलब दिस, तो इतने एटम। अब देखो सेम क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा चेंज कर दे, ट्विस्ट कर दे कि बेटा बताओ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, एन एटम की जगह कहते नाइट्रोजन गैस। अब देखो नाइट्रोजन गैस का मतलब, नाइट्रोजन गैस होती है बेटा N2। अब कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो क्या होगा N, नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना 28 ग्राम, मोलर मास कितना बेटा, अब देखो नाइट्रोजन गैस का मतलब होता है N2, N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम, तो यहाँ आपका 1 mole। अब 1 mole, अब आपसे पूछ ले हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस में टोटल कितने एटम है। बेटा ध्यान से एटम पूछ रहा है ना, एटम की गिनती कौन करेगा, Avogadro नंबर, ये पहले आप नंबर ऑफ मोल निकालो, वहां से आप नंबर ऑफ एटम निकालोगे, तो 28 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितना है 1, तो इसका मतलब आप कह सकते हो 1 × NA, मतलब Avogadro नंबर, इतने एटम्स कह सकते हो, नहीं इतने नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये तो मॉलिक्यूल है, 1 mole ऑफ N2 आया, क्या आया 1 mole ऑफ N2, और एक N2 में कितने एटम 2, एक में कितने एटम 2, तो आप कहोगे एटम जो होंगे वो होंगे 2 × NA, क्योंकि इतने तो आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है 1 NA, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 × NA एटम। वापस से रिपीट करके देखो इसको, बैक करके क्या कहा मैंने, मोल निकलवाए तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अब मोल आ गया आपके 5,
एटम आए हैं तो पांच से सीधे गुणा कर दो, मॉलिक्यूल है तो बेटा आपको काउंट करना पड़ेगा, पांच मोल मॉलिक्यूल का मतलब पांच मोल मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल में मान लो दो एटम है तो पांच गुणा में दो नंबर ऑफ एटम्स, भाई एक में दो एटम है और आपके पांच मोल है तो पांच मोल को दो से गुणा करो तब जाके टोटल एटम आएगा। क्वेश्चन लिखो जल्दी से और उस पूरे क्वेश्चन में सारे मोल कॉन्सेप्ट का सार है, बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा जी, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको मैं आपको समझा दूंगा, सब कुछ इसका कैलकुलेट करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारी चीजें पूछ रहा है। प्रोटॉन भी पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पूछेगा क्योंकि वेरिएबल होते रहते हैं। अब देखो पहला टास्क होगा, आप कहोगे आंसर, आप कहोगे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ध्यान से समझना बेटा जी, कोई हड़बड़ाहट नहीं। गिवन मास है आपको 88 ग्राम, देखो दिया हुआ है देखिए इतने ग्राम में। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, CO2 कैसे आएगा, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन है तो 16 गुना में 2 32 और 12 44, तो 44 ग्राम हो गया। तो मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 मोल, तो बेटा नंबर ऑफ मोल कितने आए 2, आंसर आ गया 2 मोल में। अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो बेटा 2 मोल CO2 का मतलब क्या है, 2 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब है 2 × 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बेटा, इसका मतलब ये क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि एटम बताओ, एटम कितना मोल, तो बेटा जी अगर इतने आपके क्या है मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया, ये वैल्यू क्या है मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल है, अगर इस इतने मॉलिक्यूल्स को आप एक मॉलिक्यूल में कितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एटम आ जाएंगे। देखो इतने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब CO2, इसमें कितने एटम है टोटल, एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के, टोटल एटम 3, तो इतने मॉलिक्यूल और इन सभी में 3-3 एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे बताओ, टोटल एटम इज इक्वल टू 3, क्योंकि एक में 3 है और साथ में ये वैल्यू जितने आपके मॉलिक्यूल्स है 0 × 2 × 10⁻², ये आ गए क्या आपके एटम, अरे बताओ ये क्या आ गए एटम। अब कह रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा जी बताओ दिमाग लगाओ, देखो इतने क्या है एटम, अब देखो टोटल एटम्स में इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने आते हैं 8, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो 8 और, तो 22 इलेक्ट्रॉन किसमें, एक एटम में 22 इलेक्ट्रॉन, टोटल एटम कितने, ये क्या करोगे भाई 22 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 6.022 × 10⁻²। इलेक्ट्रॉन्स बताइए बेटा जी समझ में आया या नहीं, अरे आ गया ना, देखो वापिस रिपीट करके देखना और पूछ ले कहीं कि इसमें बताओ कार्बन के एटम कितने हैं, तो देखो बेटा टोटल एटम्स इतने, इनमें से कार्बन का हिस्सा कौन सा है 1/3, टोटल 3 है एक कार्बन का है, तो इसको 3 से भाग कर दो टोटल एटम को, ये कार्बन के एटम आ गए। पूछो ऑक्सीजन के बताओ, तो ऑक्सीजन के भाई 2/3 से भाग कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 3 से भाग, ऑक्सीजन क्या चाहिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है ये सब देख के, बताओ मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो नंबर, कहानी समझ में आ गई सभी को नहीं आई, अरे होपफुली आ गई होगी बेटा जी। अब छोटी छोटी चीजें देखो मैं बता देता हूँ, अभी एक्चुअल में वो 12th क्लास में आएगी, लेकिन आप फॉर्मूलाज याद रख लीजिएगा और डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह आपको वापस 12th क्लास में हम करा देंगे, ठीक है। देखो एक आता है, अब क्या आता है परसेंटेज कंपोजिशन, क्या आता है बेटा जी परसेंटेज कंपोजिशन पहला, दूसरा आता आपका परसेंटेज कंपोजिशन में भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाता है, मास बाय मास आ जाता है, कई बार मास बाय वॉल्यूम, ये हम दो ही पढ़ लेंगे इनको, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में चला जाता है। एक आता है मोल फ्रैक्शन, एक आता है
मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बेटा स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, दोनों पढ़ेंगे हम। देखो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपको एक है, आप परसेंटेज कैसे निकालते हो कि भाई आपको मान लो कहो कि 350 नंबर आए किसने में से, 500 में से, बोले परसेंटेज निकालो, तो 100 से क्या करते हो गुणा, कितने आ गए बताओ, 70 आ गए ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन का भी मतलब ये आपको किया होगा भाई, 22 ग्राम CO2 प्लस, मतलब 22 नहीं कर, 22 ग्राम CO2 प्लस 14 ग्राम H2 प्लस 51 ग्राम NH3, बोले तीन गैसेज है हमारे पास, बताओ हाइड्रोजन का परसेंट कितना है। क्वेश्चन से समझ लेना, बोला बताओ हाइड्रोजन का परसेंट कितना है। ऐसा ही बेटा तीन पेपर है आपके, एक दो तीन, बोले दूसरे पेपर का परसेंटेज बताओ कितना है आपका, तो बेटा तीनों का सम करो, दूसरा कितना है उसको ऊपर रखो, बाकी को डिवाइड कर दो। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि टोटल में से कितना, अब देखो टोटल कितना हो गया आपका 22 प्लस 14 प्लस 51, और पूछ किस कर रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100, तो बेटा दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2 इन द मिक्सचर। पूछे इसका बताओ, तो बेटा इसका डिवाइडेड बाय क्या आएगा, फिर से टोटल, अरे फिर से टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज। बोला इसका बताओ, तो आपका हो गया भाई 22 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 14 प्लस 51 मल्टीप्लाई बाय 100, तो तीनों क्या हो गए परसेंटेज कंपोजिशन। बच्चों वाली कहानी है, कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई इतने ग्राम ये है इतने ग्राम ये है, बताइए परसेंटेज कंपोजिशन क्या आया, तो बेटा जी जो टोटल होगा उसको नीचे उससे डिवाइड करना है, जिसका पूछा उसको ऊपर रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन। क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन इन बेंजीन इफ 156 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन, आपसे कहे कि 100 ग्राम या 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बोले 200 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर आपके 156 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे परसेंटेज बेंज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन क्या निकालोगे बेटा, कितनी है 156, टोटल कितनी है 156 प्लस 200, सोल्व करो जो आंसर आएगा दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन। पूछा हाइड्रोजन का बताओ, तो 200 बटे 156 प्लस 200 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अभी नहीं हुआ बेटा, परसेंटेज होगा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो कहने का मतलब ये, जो पूछा उसको ऊपर रखना है, जो निकाल टोटल है उसको डिवाइड कर देना, उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा जो दूसरी टर्म आई है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, परसेंटेज में आपने सीधे मास को ले लिया, परसेंटेज में आपने सीधे किसको ले लिया, मास को ले लिया, यहाँ पे आपको पहले मोल कैलकुलेट करना है फिर उसका फ्रैक्शन लेना। देखो इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, मोल फ्रैक्शन दरअसल कंसेंट्रेशन टर्म एक सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं कि भाई ये ए प्लस बी, ए और साथ में बी थोड़ा सा है मिला के हमने ए प्लस बी बना दिया, बोले मान लो भाई ए की जो नंबर ऑफ मोल है उसको रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल एन ए से, बी के नंबर ऑफ मोल को हमने रिप्रेजेंट किया एन बी से, तो बोले भाई मोल फ्रैक्शन बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स से, बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ ए का कितना होगा, तो बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बोला भाई एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, बोले भाई ये होगा मोल फ्रैक्शन। देखो परसेंटेज कंपोजिशन वाले ही कहानी है, वहां 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ नहीं करना, यहाँ मास दिया होगा, मास से नंबर ऑफ मोल निकालना है फिर सोल्व करना है, आपसे पूछे तो बोले भाई ए और बी का अगर ऐसा हो, तो बेटा इस तरह की बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जहाँ दो ही कंपोनेंट हो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा एक इक्वल होता है, ये आ गया तो इसके लिए आप वन में से इसको घटा दो, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इफ इफ 68 ग्राम ऑफ अमोनिया इज
प्रेजेंट इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो, अगर 68 ग्राम अमोनिया 96 ग्राम ऑटो में, तो बेटा इसमें देखो एक्स ए और एक्स बी पूछ रहा है, पहले क्या चाहिए हमें, ए और बी के दोनों के मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो निकालो मान लो ये ए कंपोनेंट है, ये आपका बी कंपोनेंट है, तो एन ए क्या आएगा भाई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये तो होगा। गिवन मास कितना है 68 ग्राम। अब बेटा अमोनिया को पता है मोलर मास कितना होता है 17, देखो NH3 N का होता है 14 और H का हो जाएगा 3H है, तो 3 गुणा में 1 3 कितना आ जाएगा 4 मोल्स। अब बोले कि NB निकाल लो, NB कितना होगा बेटा, NB गिवन मास कितना है देखो ये रहा 96, मोलर मास कितना होता है, अरे ऑटो का कितना होता है 32, कितने आ गया 3 मोल। अब देखो आपके पास NA भी आ गया, आपके पास NB भी आ गया, पूछे एक्स ए पता होगी एक्स ए क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक्स ए इज इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB, NA कितना है आपका 4, 4 बटे 4 जमा 7, 4 बटे 4 जमा 3 दैट इज 4 बटे 7, सोल्व करोगे क्या आएगा 0.57 अराउंड इतना है ना, देख लेना। अब बेटा ये आ गया एक्स ए, अब आपका एक्स बी निकालना है, तो आप दूसरा तरीका एक्स बी का क्या कर सकते हो कि भाई एन बी बाय एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा 3 बाय 4 प्लस 3 3 बाय 7। दूसरा क्या है कि आप इसको इस फॉर्मूला से निकाल लो, एक्स ए कितना आ गया 0.57 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.57 दैट इज 0.43। यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ से निकाल लो, जो मर्जी आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो बेटा ये हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन। एक्चुअल में हमारे जो सिलेबस है 11th क्लास का, उसमें हमारे में मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कंपोजिशन है, साथ में मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, ये सब निकालना है। इसके अलावा मोलैरिटी, मोलैरिटी की एक बार फिर से अलग वीडियो बना देंगे, फिर से वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। तो बेटा अब एक लास्ट वीडियो और आएगी जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला के और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बातें करेंगे। बाकी यूनिट आपकी ख़त्म होने वाली है इस वीक में, शायद आपका हम सेकेंड यूनिट का एक कम्प्लीट रिविजन वीडियो डालेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।